फिर भी कोशिश ही करता है आदमी के ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि सब मालूम करें, कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ करके समझ करके वहाँ तक पहुँचा जाए। मेरे हमस लोगों में तो किस्सा शुरू होता है जोगिंदर पाल, व्यास भगती, वो मुजफ्फर गांधी, अहमद हमेश, ये तमाम लोग शिक्षा निगार थे हमारे यहाँ और बहुत अच्छे थे। और अगर पाकिस्तान का नाम हो तो और लंबी फेस्ट हो जाएगी। तो ये तमाम लोग थे जो उस वक्त शिक्षा निगार थे और इनमें से कई लोगों की बहुत मैं बहुत कदर करता हूँ। उसके बाद फिर सिलसिला होता है कि एक्सट्रीम जदीदियत का, जिसमें अहमद हमेश, शौकत हयात और वो क्या कहते हैं हुसैन हक वगैरह के नाम आते हैं, जो उसके बाद फिर होता है सिलसिला माबाद जदीदियत का चूर, जिसमें समद साहब, अब्दुल समद, अहमद यूसुफ, जबकि अहमद यूसुफ बहुत पहले से लिख रहे थे लेकिन उनका शुमार उसी के बाद में होता है, ये आपके मुशर्रफ आलम ज़ौकी और सैयद मोहम्मद अशरफ, ये तमाम लोग उसमें उन्होंने लिखा। उसके बाद वो सिलसिला जो अभी कायम है, जो लोग अभी लिख रहे हैं, जिसमें कई लोग हैं आप हैं उसमें, आपके अलावा इशरत ज़हीर हैं, अहमद सगीर हैं, मुशर्रफ आलम ज़ौकी भी थे बेचारे, अभी हाल तक अब तो नहीं रहेगा लेकिन बहरहाल उनकी भी चीज़ें हैं। तो लेकिन मैं इस तकसीम को मानता नहीं। अदब कोई हमारी ज़मीन नहीं है कि जिसको बांट बांट करके हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान करते हैं। अदब जब वो बहुत क्लासिकल ज़माना था तब भी बहुत ऊंचा था और बहुत ख़राब भी था। जब उसके बाद तरक्की पसंदी आई तब भी ऐसा था, जदीदियत में भी ऐसा था और माँ बाप जदीदियत भी ऐसा। तो अदब सिर्फ दो किस्में मानता हूँ, अच्छा और ख़राब, या अच्छा और बिल्कुल ही अदब नहीं, अदब या बिल्कुल बेअदब। तो बिल्कुल बेअदब होगा तो मैं नाम लूँगा नहीं, लेकिन जो बाअदब लोग हैं जिनसे मैं सोचता हूँ कि साहब उर्दू फिक्शन में का बड़ा काम हो रहा है, उनमें कई बहुत अहम नाम हैं, जिसमें अहमद सगीर का नाम है, जो दलित अफसानों के हिसाब के तवसुत से जाने और पहचाने जाते हैं, और अच्छी खासी उनको हैसियत शामिल हुई जिससे मैं हैसियत मिल चुकी है उनको, दलित अफसानगार के हैसियत से ये गदन पर हैं, उनको भी दलित अफसानगार के सिल्फ में रखा जाता है। उसके अलावा दलित के अलावा भी कई लोग हैं, मिसलन ये आपका इशरत ज़हीर हैं, खुद आप हैं, आपकी कई कहानियाँ, और मुशर्रफ आलम ज़ौकी की भी कई चीज़ें आई थी। लेकिन इन सब का जो अगर मुहासबा किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज के अफसाना निगार ज़्यादा बेहतर तरीके पर तमाम चीज़ों को बरत रहे हैं, रिवायत को भी और अफसाना निगारी के फ़न को भी, तरक्की पसंदी को भी, जदीदियत को भी, माँ बाद जदीदियत को भी, कि दरअसल उन्होंने अपने अंदर वो तकसीम की नहीं है बल्कि उनके यहाँ जो चीज़ें आती हैं बिल्कुल एज इट इज़ वो उसको किरदार पर लाने की कोशिश करते हैं। उसमें ये हो सकता है कि कई लोगों की ज़बान ख़राब हो, जो आमतौर पर नाकदीन कहते हैं साहब के तानी से गलती है, तस्की की गलती है वगैरह वगैरह, तो ये सब तो होता रहेगा। चूँकि जब तकलीफ होती है तो बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी माँ के यहाँ बच्चा, उसका उसकी कोख निर्णय का उसको किस किस गर्व, किस किस मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी तकलीफें झेलने पड़ती, तब जाकर के बच्चा होता था, और तब भी वो नहीं जानती जान रही होती है कि उस बच्चे की कब का बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, कहीं उसकी एक आँख न रहे, कहीं उसकी एक कान न रहे, लेकिन तकलीफ तो बहरहाल है। कई बार ऐसा होगा कि उसकी एक आँख नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ज़्यादा आक्रमण होगा। आपको शायद पता नहीं हो कई ऐसे लोग जो नाबीना है, जो नाबीना पैदाइशी नाबीना है लेकिन उनका सेंस इतना चाहिए कि रंग तक पहचान लेते हैं। हमारी एक मिलने वाली लड़की है वहाँ धनबाद, जो पैदाइशी नाबीना लेकिन रंग तक पहचान लेते हैं। कई नाबीना को नाबीना लोगों ने देखा तो वक्त बताए थे उसे, तो
कभी किसका कौन सा टैलेंट है ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये खुद माँ भी नहीं जानती कभी कभी कि उसके बच्चे के पास क्या टैलेंट है। तो जो तकलीफकार है वो भी नहीं जानता वो जो तकलीफ कर रहा है वो क्या मकसद इसका। मसलन आपने यात्रा गति की कहानी परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी पड़ी हुई, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी का परिंदा अहमद सगीर का वो परिंदा जो उस पर क्या है ऊपर बैठा है परिंदा, क्या कहाँ बैठा परिंदा है, मुंडेर पर बैठा, हाँ मुंडेर बैठा परिंदा उसका परिंदा शौकत हयात की कहानी गुम्बद की कबूतर जी, सही वर्ष की डार से बिछड़े तमाम परिंदे, लेकिन क्या इन तमाम परिंदों को एक खाने रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सब परिंदे, सब परिंदे अलग अलग बातों के अलावा सब और लेकिन सब में तकलीफ की अमल जारी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जिसने जिसकी जो तकलीफ है उसके पीछे उसका पसंद है और उसका तकलीफ की अमल कैसे गुजरता गया, न कि हम उसको किसी खाने में रखें। एक ही खाना होता है वो है तकलीफ की अमल, तकलीफ के अमल से जो गुजरा है जो तकलीफ के अमल गुजरता वो और जिसका मुशाहदा गहरा होगा, जो जिंदगी के अरमनाकियों को झेला होगा, जिसने ऊंच नीच देखी होगी, जिसने समाज के गिरते उठते लोगों को देखा होगा, जिसने महसूस किया होगा कि साहब कहाँ कहाँ नाइंसाफियाँ होते होंगे वो भी और दिल से महसूस किया होगा, वही अच्छी तकलीफ कर सकता है। और ऐसे लोग हमारे यहाँ समाज में आज भी हैं जो ऐसी तकलीफ करते हैं, जिसमें माफ़ कीजिएगा चूँकि आप सामने बैठे में आपका नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी भी चीज़ें हैं नहीं जी, आप नाम जो है जो सही है वो लीजिए, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता क्यों लेंगे, आपका नाम मैं ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लोग समझेंगे साहब आप चूँकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आपका नाम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब आप जैसे आप क्या जो तकलीफ के अमल है वो यकीन आपकी भी कहानी में पड़ेगी, आपकी कहानी को ये कौनवानी अबाबी सृष्टि होता है परिंदा, लेकिन ये तमाम परिंदे जो है अलामत है दुनिया के तमाम मसायब के, दर्द के, कर्म के, और उन उड़ानों के जो कई उड़ाने उड़ान भरने से पहले ही मर गए, जो कई उड़ान भरते भरते गिर गए, जो कई उड़ान भरना चाहते हैं, जो कई उड़ान उड़ान में इतने ऊपर चले गए हैं कि नज़र नहीं आती, ये तमाम उड़ान इन परिंदों की जो है ये तकलीफी अमल की पहचान, हमको इन उड़ानों को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इन उड़ानों में कौन कहाँ तक गया, जो आसमान पे जाके नज़र नहीं आ रहा है वो खालिफ नहीं, वो तकलीफकार नहीं। एक मिनट आपको मैं थोड़ा सा सवाल जड़ देता हूँ आखिर में कि नाकदीन का क्या रवैया रहा है अदब के सिलसिले में, जैसे आज के जो अफसाना निगार हैं तो नाकदीन का जो रवैया है आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि मन तो हाजिब होगा तुम मेरा हाजिब होगो, हम आपके ऊपर लिख दें आप मेरे ऊपर लिख दीजिए, तो मुनसफाना तौर पर आप क्या महसूस करते हैं कि नाकदीन बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब है नाकद के हक में? दरअसल अब तो एक बात कहूँ इस सिलसिले में कि नाकद ये समझता है कि वो अदब की राह मुतय्यन कर रहा है, जबकि उसको नहीं मालूम है कि वो अदब की राह मुतय्यन कर रहा है, उसकी उसको लोग जो तकलीफकार हैं वो उसको जगह देकर के उसके लिए कुर्सियाँ मुहैया कर रहे हैं, नाकिद तक वो कर रहा। तो चुनांचे अच्छा हमारी खराबी यह है कि हम नाकिद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको मैं बताऊँ, आपको मुझे जान के हैरानी होगी कि ये अब्दुल समद, मीम का खान, इशरत जहीर, शाहिद कलीम, ये तमाम लोग शबिस्तान अदब एक इदारा गया है जिसका मैं सदर हुआ करता था और वो इदारा मेरी इस पर चलता था, तो वहाँ से लोग उनके और उन्होंने बड़ी जगह बनाई है और बहुत अच्छी जगह बनाई है। ये तमाम लोग किसी न किसी अवार्ड से अवार्ड कोई ना कोई अवार्ड मिला है, बिहार का, बंगाल का, फलां का, ढंगान का, यहाँ तक कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, और बदनाम नज़र को आज तक कहीं से कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि बदनाम नज़र के गया ही नहीं गया,
अच्छा अवार्ड के सिलसिले में क्या अवार्ड के लिए मैंने वो कशकोल लेकर जाना लाजिम है? नहीं मैं नहीं, मैं नहीं समझा कि मुनासिब है, मैं नहीं समझा कि मुनासिब है। ये तज़ीक है। मैंने भी यही महसूस किया, इसलिए मैं अपनी किताबें जो हैं वो बहुत सारे लोग इस फिराक में लगे होते हैं कि कहाँ से क्या मिलने जा रहा है, कहाँ से क्या मिलने जा रहा है। मैंने अबाबिल की हिजरत मेरा अफसाने का जो मजमुआ है, मैंने उसमें किसी भी नाकदीन अदब से नहीं लिखवाया, जबकि मेरे ताल्लुकात इतने हैं कि मैं चाहता तो जिससे चाहता मैं उनसे लिखवा देता, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं अदब में अपने आप को खुद को पेश करूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर हम कामयाब हैं तो मेरे खाते में जाए कामयाबी, और अगर हम नाकामयाब हैं तो उसका भी पूरा जो है मलबा मेरे ऊपर आए। आपको बताएं कि मेरे चार इंतखाबात आए हैं। हाँ आप अपने बारे में बताइए कि आपने अब क्या क्या सब लिखा। मेरे आए हैं, पहला जो था कही सिर्फ नजरे थी, उसके बाद नजूल जिसमें सिर्फ गजलें, और उसके बाद बारे गिरा जिसमें नजलें गजलें नजमें और गजलें दोनों हैं, और एक किताब मैंने तरतीब दी थी जो मेरे लिए वकील अख्तर की दी थी दायरों की शिकस्त, सिवाय दायरों की शिकस्त चूँकि वकील अख्तर किताब थी और इंतकाल जो कदम वकील अख्तर, मैंने तीन में से किसी किताब में किसी से कुछ भी नहीं लिखाया। यहाँ तक जो तबसरे शाया हुए उसमें भी कई बहुत सी तारीफ वाले तबसरे भी थे, मैं उनके टुकड़े छाप सकता था नहीं किया। फिर चिकने कारी को मैं हक देता हूँ, ये तुम मेरी राय का अपनी तुम पहले पढ़ लोगे बदनाम नज़र को की राय को या शाहिद जमील की राय को, उसके बाद पढ़ोगे तो वो तो राय तुम पर सब पहले से लग गई ना। मैं भी तबसरा करता हूँ तो किसी की राय नहीं पढ़ता पहले, तो मैं कभी भी जो है कब नहीं देता, और आइंदा भी मेरी किताब भी आ रही है उसमें कोई राय नहीं किसी की भी, कुछ भी नहीं, जो है तकलीफ मेरी है वो कारी पढ़ेगा खुद राय कायम करेगा, ये पढ़ने के काबिल है भी कि रद्दे भी टुकड़ी की टुकड़ी जैसा वो चाहे कर लेगा अपना, ये उसका हक है। मेरा काम तकलीफ करना था, पसंद करना नापसंद करना अच्छा लगना बुरा लगना, ये कारी पर निर्भर करता, और नाकिद तो कहीं पर है ही नहीं इसके लिए, नाकिद का तो कोई का तो के आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने उसको बना दिया है। नहीं हमने मैंने भी महसूस किया कि नाकदीन अदब बड़े मुतासिर होते हैं, जैसे बहुत सारे अभी अफसाना नगार बिहार में ऐसे हैं जो मुस्तहिक हैं लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया जाता है, उनका जिक्र तक कहीं नहीं किया जाता, और वही लोग जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं उनका नाम मजमूए में भी शामिल है, उन पर मजामीन भी लिखे जा रहे हैं, उन पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, तो आपके नज़र में भी बहुत सारे जो अफसाने निगार वो छूट गए हैं। तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू बहुत लंबी हो नहीं सकती थी, 10 से 12 मिनट का मैं कर रहा, 15 मिनट होने जा रहा है, इसलिए अब हम अपनी बात को यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपके पास आपके से जुड़ते हुए, आपने परवेज शाहजी नंबर निकाला था जी, आप ये चाहिए जब तक परवेज शाहजी जिंदा थे तरक्की पसंदी में किस पर मजामीन नहीं आया, परवेज शाहजी पर एक योजना है कि सरदार जाफरी नियाज हैदर अली सर वो क्या कहते हैं क्या नाम उसका साहिर तो खैर कमी है मजाज, जबकि मजाज को मैं दो नंबर का डायर बनता हूँ मेरे हिसाब से, साहिर के मुकाबले मजाज दो नंबर का डायर, दोनों ही रोमांटिक पोइट है लेकिन शायद मजाज दोनों का डायर, ये मेरी अपनी राय है, मैं हो सकता है मुझे उन लोगों के खिलाफ करें। परवेज शाहजी नंबर के तो बड़ी पिजराई हुई, और मेरा ये हमें परवेज साहब डिजर्व करते थे ना इस बात को, तो राह गुजर ही राह गुजर है, राह गुजर से आगे भी हमने जाकर देख लिया है, हद नजर से आगे भी ऐसे शेर कहने ऐसे शेर एक भी अली सरदार जाफरी क्या नहीं, मौका ये आज कभी तेरी नज़र ने न दिया शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने न दिया, क्या ऐसा शेर अली सरदार जाफरी के मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन परवेज शाहजी को इग्नोर किया गया, ये हमेशा नागरीन करते आए हैं, इसलिए नागरीन का बेचारे का कुछ, इसीलिए मैंने उन पर एक नंबर जो राजभाषा महकमा राजभाषा में मैं भाषा संगम का एडिटर था तो मैंने वो नंबर को तरतीब दिया और काफ़ी मशहूर हुआ, अब लोगों ने बड़ी पजीराई की मेरी मेहनत का सिला मिला, और हम जो है वो आपकी नज़र करने भी वो लाए हैं परवेज शाहजी नंबर, और वाही साहब की याद में जो एक रिसाला किताबी सिलसिले के तौर पर निकाला गया जिसके मुदीर आला मेरे बरादर मोहतरम आबिद नकवी हैं और एडिटर के तौर पर मेरी मेहनत है, तो मैं आप इस मैगजीन को तो फिर से जारी कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और किसी नौजवान को पकड़िए,
असल है क्या, देखिए है क्या कि घोड़ा और काहिल बैल जो है एक साथ नहीं चल सकता। मैं जिस स्पीड से चलता हूँ मेरा साथ देने वाला मुश्किल है। एक बात, तन्हा हो जाता हूँ। मैं सफ़ीर अदब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें तन्हा मेरी मेहनत हो जाती है। पूरा प्रिंटिंग का काम जो है वो हमारा बेटा मेरा हमनाम है शाहिद रजा रिजवी, वो आबिद नकवी का साहब बड़ा साहबजादा है, वो देखता है। और एडिटिंग का टोटल काम मेरे ज़िम्मे हो जाता है। और मैं टाइप भी करता हूँ, कोरल पर भी दुरुस्त करता हूँ, PDF भी बनाता हूँ, और जब हम प्रेस को भेज देते हैं तो उसके बाद जब छप जाता है तो फिर तमाम लोगों को पहुँचाना, उनसे फिर उनकी तख्लीकात लेना, इस तरह से मिला जुला के बहुत मेहनत हो गई। और तबीयत मेरी ख़राब हो गई, जो इसमें तातुल हुआ, जो रुक गया तो रुक गया, मैंने वो जुमूद का शिकार हो गया। इंशाल्लाह ताला हम लोग जा रहे हैं, आबिद नकवी से बात हुई है। नौजवान से नहीं चलेगा, मैंने इसमें देखिए जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल मुखलिसाना, पेशावराना से काम नहीं चलेगा। पैसा देके नहीं काम करा सकते, पैसा कहाँ, जीरो है, मैंने जीरो पर। ये तो वही एकेडमी के पैसे से छपता है, वरना इसकी न कोई बिक्री है, सब एजाजी कॉपियाँ बांटी जाती है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है इस वक्त अभी के हिसाब से कि लड़कों से ज़्यादा कैपेसिटी काम करने में लड़कियों की। हाँ, मेरे आपको मैं बताऊं कि मेरी कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है जी। मेरे सब शागिर्द हैं लड़के लड़कियां सब, उसमें कोई लड़का, एक लड़का है जो सुधार हो रहा है, लड़कियाँ सब इन चीज़ों को जमा करती हैं। मेरे वो तो सुगर, देखिए लड़कियों में एक फितरत है ना सजोने का, सुघड़पन हो जो है सजाने का, उसको बेटी मेरी मेरा प्रूफ पड़ती है जी। बेटी मेरी मेरा प्रूफ पड़ती है, दौड़ती है प्रेस में फ्रांस पर जी। तो बेटा मेरा चूँकि लीजिए आप, मैंने इसको कबूल कीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा खुशी बात की परवेश शायरी पढ़ी है नंबर, और ये मेरा मजमुआ है। वाह, बहुत खुश। और ये जो है ये पहला शुमारा तो ख़त्म हो गया, ये दूसरे शुमारे से आपके मजमू का खैर कवर जो है वो क्लासिकियत से जदीद तरफ आता हुआ है जी। ये मेरी पसंद से है। और ये सब में जितने भी कवर हैं इसमें मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। और ये शुमारा नंबर 3 हुआ, और ये शुमारा नंबर सुपरवाइजर की दूसरी लगा के, और ये शुमारा नंबर 4 हुआ, और ये शुमारा नंबर 5 हुआ। ये शुमारा नंबर 4 जो है आपका जी, बकरी के मौके पे गिरा था क्या? नहीं, वो ये देखा है कि अशरफुल मखलूकात से वो आगे बढ़ जा रही है। मैं समझ गया आपकी बात, मैंने वो हमने दिखाया कि देखिए आदमी के अंदर अगर ये मामला हो तो वो कहीं भी जाकर ठहर सकता है। तो बदनाम नजर साहब, आपसे का शुक्रिया अदा करते हुए अब हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब के आपने मुझे इस काबिल समझा के मुझसे कुछ बातें करें, वरना हम लोग तो बूढ़े लोग हैं, कहाँ कोई पूछता है ऐसा।